अरस शिकारा के अंदर है कोई भी इंसान वाली क्वालिटी नहीं है, वो ज़मीन ग्रैबर है, डिजिटल भिखारी है। परसों उसके चार्ज लगाया है सोनीपत, एक 65 साल की बुढ़ी की कोठी कब्जा रखी है और उसका चार्ज लगाया है। तो साथियों, सुना आपने कि इस सज्जन ने किस तरह के आरोप हर्ष शिकारा पर लगाए हैं और इसको लेकर हमने एक वीडियो बनाया था। आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं, वहां से आप उस वीडियो को पूरी तरह से देख सकते हैं। और अब हम इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये हकीकत है या खामखा जो है हर्ष शिकारा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें जो है इस पूरे मामले की जो FIR है उसकी कॉपी मुहैया करवाई। एक 65 साल की बुढ़ी की कोठी कब्जा रखी है और उसका चार्ज लगाया है। FIR 452, 323, 506 उसके खिलाफ दर्ज, 3 में चार्ज फ्रेम हो लिया परसों है। तो सुना आपने कि एक 65 साल की बुढ़िया की कोठी कब्जाने के आरोप हर्ष शिकारा के ऊपर लगे हैं, जो वाकई में बहुत ही संगीन है। बाकी जब हमने FIR की कॉपी देखी तो उसमें इस महिला की जो उम्र है वो 72 साल अंकित की हुई है और ये वाकई में बड़ी ही शर्मनाक बात है अगर ये बात सच्ची है तो। और अब हम एक बार उस FIR की कॉपी के ऊपर नज़र डालेंगे जो हमारे सब्सक्राइबर ने हमारे साथ साझा की है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है उस FIR की कॉपी और इसमें जो कंटेंट लिखा है वो वीडियो को आप आसानी से पॉज करके पढ़ सकते हैं। और हर्ष शिकारा के साथ जो सुमित नाम के सज्जन हैं, एक उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है, यानी कि उनके ऊपर भी ये आरोप है। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ जो है 15 के करीब जो है यहाँ पर और अन्य लोग भी बताए गए हैं जो उनके साथ थे, जो बदमाश किस्म के जो है बताए गए हैं। और इस FIR का कंटेंट जो है आप आसानी से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी इसमें कितनी सच्चाई है वो तो जब हम बात करेंगे इन महिला से तभी पता चल पाएगा, लेकिन अगर इस FIR के कंटेंट की बात की जाए तो ये आरोप बड़े ही संगीन हैं। और अब ऐसे में जो हर्ष शिकारा की मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। बाकी जब हर्ष शिकारा से हमें समय मिलेगा तो उनसे हम बात भी करेंगे कि जो ये FIR है इसके ऊपर उनका क्या कहना है। लेकिन इस FIR की अगर बात की जाए तो इसमें इन महिला की जो उम्र है वो 72 साल के करीब की बुजुर्ग विधवा महिला अंकित किया गया है। बाकी इसके कंटेंट की अगर बात की जाए तो इसमें कहा है कि हर्ष शिकारा व सुमित और ये जो अन्य व्यक्ति हैं ये बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं जो कमज़ोर लोगों की ज़मीनों पर लालची नज़र रखते हुए हथियाने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि ये शिकायतें अब आम हो चुकी हैं। तो ये बड़े ही गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए हैं और ये भी कहा है कि 15-20 साथी फेसबुक व व्हाट्सएप के माध्यम से झूठी वीडियो बनाकर और उनमें एडिटिंग करके बदनाम करने की कोशिश करता है। ये जो आरोप हैं ये वाकई में बहुत ही संगीन आरोप हैं और ये इस महिला ने हर्ष शिकारा व जो अन्य उसके साथी हैं उनके ऊपर लगाए हैं, जो 15 के करीब और लोग इसमें सम्मिलित बताए गए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है वो जब हम इस महिला से बात करेंगे वो आपके सामने लेकर आएंगे। और हर्ष शिकारा इसके ऊपर अगर अपनी कोई सफाई देना चाहते हैं और उनसे हमारा जब भी संपर्क होगा तो हम उसके बारे में भी उनसे पूछेंगे कि इसके ऊपर उनकी क्या राय है। तो साथियों, ये आरोप बड़े ही संगीन हैं और इन आरोपों को चलते जो हर्ष शिकारा का जो चुनावी कैंपेन है वो वाकई में प्रभावित होना लाजमी है। और इसको लेकर अब जो उनकी जनसभाएं हैं उनमें भी आप देख पा रहे होंगे कि जो भीड़ है वो वाकई में कम होती नज़र आ रही है। और आपकी इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसे में अब हर्ष शिकारा जो है वो इस दौड़ में पिछड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जगबीर मलिक, वो अब इस दौड़ में आगे बने हुए हैं और उनके साथ में जो BJP के कैंडिडेट हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं और जो हर्ष शिकारा हैं वो अब पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी यहां पर हर्ष शिकारा की जो राह है अब वो आसान नहीं है। और इसमें अगर बात की जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो उनका अच्छा खासा प्रभाव यहां पर भी देखने को मिल रहा है। और
डॉक्टर अरविंद शर्मा हैं, वो जो है भाजपा की सीट यहाँ से नहीं लगता कि बचा पाएंगे, और जो हर्ष छिकारा हैं अगर उनकी बात की जाए तो वो यहाँ पर हाल फिलहाल तीसरे नंबर पर चल रहे हैं, और जो जगबीर मलिक हैं वो यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त के साथ जो है वो पहले नंबर पर चल रहे हैं। बाकी इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं उनकी जो सभाएं हो रही हैं उनका भी काफ़ी अच्छा खासा पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है, और जो जनता है अब वो भी कहीं ना कहीं अपना मन बना चुकी है कि जो जिताऊ पार्टी है हम अपनी वोट उसी को देंगे, और जो निर्दलीय या अन्य जो पार्टी हैं उनको वोट देकर हम अपना वोट ख़राब नहीं करेंगे। और इसी को लेकर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है ये अपील भी कर रहे हैं कि अपनी जो वोट है वो ख़राब ना करें। यहाँ पर बहुत सारे जो है वोट काटू खड़े हुए हुए हैं, और ये जो इशारा है ये मेरे ख्याल से हर्ष छिकारा की तरफ सीधा सीधा उनका था, जब वो गोहाना में एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये बयान भी दिए थे, और इसमें जो आम जनता है उन्होंने जो है समर्थन भी किया था इस चीज़ का, और इसी की जो लहर है अब वो यहाँ भी देखने को मिल रही है, जहाँ पर अब जो भाजपा है वो दूसरे नंबर पर और जो कांग्रेस है वो यहाँ पर लीड कर रही है, और जो अन्य निर्दलीय व अन्य जो उम्मीदवार हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो साथियों इस पूरे प्रकरण को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो ये FIR हर्ष छिकारा के ऊपर दर्ज की गई है इसको लेकर उनके ऊपर कितना असर पड़ेगा ये भी बताएं। तो आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्लीज टू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट फिल्मीताओ यूट्यूब चैनल। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।